रंगोली बाय ARY फैजाने नजर कलेक्शन, आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY कॉइंस 15%। विजिट ARY सहूलत बाजार .pk/ary-fashion। मेरा वादा अगर भाभी, मैं कह रही थी कि वो भाभी आप रो रही हैं। सानम सब बर्बाद हो गया, अम्मी शहर की दूसरी शादी करना चाहती हैं। हाँ, ये आपसे किसने कहा? उन्होंने खुद कहा है मुझसे, मेरे हक की कुर्बानी मांग रही है वो। लेकिन तुम खुद बताओ, कितना आसान है अपने शौहर को इस तरह से बांटना। मैं मांगती हूँ, मैं अधूरी हो गई हूँ, मैं उनकी खुशियों को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन सारा इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? भाभी आप परेशान हैं, मैं बात करूंगी आंटी से, मैं अली से कहूंगी, वो समझाएंगे आंटी को। तुम्हारे समझाने से अब कोई फायदा नहीं है, वो शहर की दूसरी शादी कर छोड़ेगी। और मेरी हैसियत की बेबी के होने के बावजूद भी दूसरी औरत जैसी हो जाएगी। भाभी माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप शहीर भाई की दूसरी शादी करा रही हैं? आवाज नीचे रखो अली। माँ, ये फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लो, आपके इस फैसले से भाभी कितनी हर्ट होंगी। हाँ, मुझे उसके दुख का एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। माँ, ये तो उनके साथ ज्यादती होगी। ज्यादती तो मैं तब करूंगी ना उसके साथ, जब किसी बगैर वजह के मैं उसके ऊपर सौकन लेकर आऊंगी। वजह कोई भी हो, आप इस तरह शहीर भाई की दूसरी शादी नहीं करवा सकते। खैर अली, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा और ना ही तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम कोई फैसला करो। बेहतर है कि इस मामले से दूर ही रहो। लेकिन मैं इस मामले से अपने आप को ला ताल्लुक नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी शहीर भाई से बात करूंगा। सुनो, तुम अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूंगी कि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं शहीर की दूसरी बीवी लेकर ही आऊंगी। माँ प्लीज, माँ ये सही नहीं है। क्या सही है क्या गलत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझ गए? क्या करती हो सारा, तुम तो मेहमान बनी हुई हो। शुक्र करो कि आ गई हूँ मैं। तुमने ना अपनी सास को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया। मैं होती ना तुम्हारी जगह तो सीधा करके रख देती हूँ। चुप कर जाओ, तुम आहिस्ता बोलो, अली ने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा ना। एक तो तुम ना सारा सारी जिंदगी दूसरों के बुरा लगने के ख्याल में गुजार देना। अब घोर क्या रही हो, जाओ, तुम्हारी बहन जब से इंतजार कर रही है ऐसा। कमरे में बैठिए, जाओ जल्दी जाओ, कर जाओ तुम। फरा कहाँ चले गए? फरा जल्दी आ जाओ, मेहमान आने वाले हैं, आके इंतजाम एक दफा देख लो। वैसे अली, शायद आप भूल रहे हैं कि आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट शायान है। नहीं, ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी बहन को आज तैयार होने में वक्त लग गया, अदरवाइज हम आपसे पहले पहुंच जाते। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, अलहमदुलिल्लाह। वैसे आप कब अपनी शादी की दावत दे रहे? शादी का भी ना ही कोई इरादा है, ना ही कोई फुर्सत में है सर। आपको एक बात बताऊं, जब कोई दिल में उतर जाता है तो इरादे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मुझे यकीन है जब आपको कोई पसंद आएगी ना तो फिर वक्त भी मैसर होता है, कभी बहाने भी नहीं चलते। चलें, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, कि अभी तक शायद कोई दिल में उतर ही नहीं सका, इसके नाम जिंदगी का हर पल करने का फैसला किया था। Well, I hope कि आपको जल्दी कोई ऐसा मिल जाए जिंदगी में। Let's hope so. हमें अबू याद आ रहे हैं, आज अगर अम्मी होती तो कितना खुश होती।
कितनी दुआएं देती मुझे। दुल्हन है तो मैको से दुआओं के साए तले रुखसत होती। मैं कितनी बदनसीब दुल्हन हूं ना, मुझे दुआ देने के लिए कोई है ही नहीं। मुमानी से मेरा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मामू से तो था ना। क्या हो जाता अगर वो आ जाते, सर पे हाथ रख देते, मुझे दुआ दे देते, मेरा मान ही फट जाता। मान बढ़ाने वाले अकेला नहीं छोड़ते ऐसा, जो अकेला छोड़ते वो अपनों में शुमार नहीं होते, और जो अपने हैं ही नहीं उनके बारे में सोचकर अपनी खुशियां क्यों मान कर रही हूं। जहां तक रही दुआएं देने की बात, तो मैं हूं ना, तुम हमेशा खुश रहो, भला करे तुम्हारी खुशियां कभी मान ना पड़े। तुम्हें हमारे घर से इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले, तुम अपनी सारी महरूमियां भूल जाओ, भूल जाओ तुम वो सारे गम जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिले। बहन मान आए तुम्हें, बहन बनकर दिखाऊंगी। सारा अभी तक बातों में लगे हुए, अब सारा इसको रुलाओ मत, देना उसका मेकअप खराब हो जाएगा। कारी साहब आ गए निकाह की तैयारी करो जल्दी। चलो अब अपना मूड सही करो। सारा संभल के क्या हो गया? पता नहीं ऐसे ही पैर स्लिप हो गया। सारा मैं जानता हूं तुम हबी की वजह से बहुत अपसेट हो, यहां तुम्हारे भाई की शादी है, सब लोग बहुत खुश हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इंटेंशंस को। ये बहुत यादगार लम्हे हैं, इनमें खुश रहो, एंजॉय करो इन्हें। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बस एक मिनट में। साहिल माशाल्लाह से रेहान और सारा की शादी हो जाती तो कितनी अच्छी जोड़ी लगती इन दोनों की। चार पैसों के लालच में
सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी भाल के मंगनी तोड़ के कैसे चला गया था? मुझे तो लगता है अभी सारा से प्यार करता है। तभी तो जब वापस आया है तो पुराने मोहल्ले जाकर निगत बहन के घर का पता पूछता फिर रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे यार, मैं तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट लाना ही भूल गया। इट्स ओके शाया, मेरी नजर में तुम्हारी मोहब्बत की जो अहमियत है उसके सामने ये तोहफे तहफ कोई मायने नहीं रखते। ये तो तुम्हारा बड़ापन है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मूड ऑफ करके बैठ जाती। मेरी जगह कोई और क्यों होता? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि ऐसे ही कह रहा हूँ, जनरली एक बात कर रहा हूँ कि शायद तुम्हारे लिए ये मामूली बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये जिंदगी भर की खुशियों का सवाल है। अक्सर लड़कियाँ शादी के बाद अपने शौहर और फिर उसकी फैमिली को अपनाती हैं। मैंने सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को अपनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी और अम्मी की वो सास बहू वाली लड़ाइयाँ नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होंगी। मैं उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी हूँ। और माँ बेटियों के आरजी झगड़े तो हो सकते हैं लेकिन तूल देने वाले झगड़े कभी नहीं हो सकते। झगड़ा हो भी जाए, तुम बहुत समझदारी से उसे हैंडल करोगी, इतना तो भरोसा है मुझे तुम पे। सारे रिश्ते दिल से निभाओगी। सारा, मैं समझता था कि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, इसलिए अपने दिल की हर बात बिना जज के मुझसे शेयर कर लेती। फिर चाहे वो कोई भी बात क्यों ना। ऐसा ही है अलीब, मैं अपनी सारी परेशानियां आपसे ही शेयर करती हूँ। सिर्फ परेशानियों की बात नहीं कर रहा सर, कहना क्या चाहते हैं अली, खुलकर कहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुमने मुझे ये बात तो जरूर बताई थी कि रेहान तुम्हारा कजन, फिर ये क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारा फियांसे भी था? तेरा वादा